नमस्कार सभी को, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गत कक्षाओं में हमने प्रत्यय प्रकरण का सामान्य परिचय जाना था और उसमें हमने इक्त्वा प्रत्यय, सर्त प्रत्यय, सानच प्रत्यय इत्यादि प्रत्ययों के बारे में जानकारी दी थी। आज उसी में हम आगे का जो प्रकरण है उसको हम आज अध्ययन करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, भूतकालित इत और इक्त्वतु प्रत्यय, भूतकालित इत और इक्त्वतु प्रत्यय, यानी भूतकालिक क्रिया के अर्थ में, यानी कि क्या कह रहे हैं, यानी कि एक तो इक्त्वतु प्रत्यय के बारे में क्या करें कि भूतकालिक क्रिया के अर्थ से, अर्थ में धातु से इक्त एवं इक्त्वतु प्रत्यय का, किसका, इक्त एवं इक्त्वतु प्रत्यय का योग किया जाता है। कौन सी क्रिया से योग किया जाता है, भूतकालिक क्रिया के अर्थ में, ठीक है, भूतकालिक क्रिया के अर्थ में क्या किया जाता है, धातु से इक्त एवं इक्त्वतु प्रत्यय का योग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि भूतकालिक क्रिया से इक्त तथा भूतकालिक क्रिया के अर्थ में इक्त तथा इक्त्वतु प्रत्यय का क्या किया जाता है, योग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए कि त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में, यानी कि त जो है वो सकर्मक धातुओं से कर्म में और अकर्मक धातुओं से क्या होता है, धातुओं से अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में त का प्रत्यय होता है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में, ठीक है, यानी कि सकर्मक धातुओं से कौन से अर्थ में होगा, कर्म अर्थ में, और अकर्मक धातुओं से कौन से अर्थ में होगा, भाव के अर्थ में, ठीक है दोस्तों, इसमें इन्होंने बताया, ठीक है। तथा इक्त्वतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है और इक्त्वतु प्रत्यय किसमें होता है, कर्ता अर्थ में होता है। गत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में इक्त प्रत्यय होता है, यानी कि गत्यर्थक तथा अकर्मक धातु, गत्यर्थक धातु और अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में इक्त प्रत्यय होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहां पर बता रहे हैं कि भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से इक्त एवं इक्त्वतु प्रत्यय का योग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इक्त प्रत्यय सकर्मक, इक्त प्रत्यय जो होता है वो सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में होता है, ठीक है, और अकर्मक धातुओं से क्या होता है, ये भाव अर्थ में होता है, अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में होता है। तथा इक्त्वतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, इक्त्वतु प्रत्यय कौन से अर्थ में होता है, कर्ता के अर्थ में होता है। और गत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में इक्त प्रत्यय होता है, ठीक है दोस्तों, ये हमने इसकी परिभाषा देखी। इसके बाद देखिए कुछ धातुओं के इक्त्वतु प्रत्यय युक्त पद निम्नलिखित है, ठीक है। अब इसकी जैसे उदाहरण देख लीजिए, कई धातु है उसमें हम इक्त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये देखते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे गम धातु इक्त प्रत्यय, ठीक है, इसके बाद में क्या बन गया, पुलिंग में क्या बन गया, गतः, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसकलिंग में गतः, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमने गम धातु और इक्त प्रत्यय का योग कर दिया तो इसको क्या किया, अब इसके बाद में हमने तीनों लिंगों में लिख दिया, गतः, गता, गतम, ठीक है, यानी कि पुलिंग गतः, स्त्रीलिंग गता और नपुंसकलिंग गत, गतम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम दूसरा देखिए कृत, कृ धातु इक्त प्रत्यय, कृ धातु
इत प्रत्यय, तो इसका क्या बन गया दोस्तों, कृत बन गया। इसका क्या बन गया, कृत बन गया। तो इसमें क्या पुलिंग में क्या होगा, कृतः, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसकलिंग में कृतम। ठीक है, जैसे गतः गता गतम, ऐसे कृतः कृता और कृतम। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए तीसरी कौन सी धातु, हमारी पा धातु। पा धातु में इक्त प्रत्यय का योग करेंगे तो इसका क्या बन गया, पीतः पीतः पीता पीतम। ठीक है, पुलिंग में पीतः, स्त्रीलिंग में पीता और नपुंसकलिंग में पीतम बन गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अभी कौन सी धातु, श्रु धातु। श्रु धातु, श्रु धातु में इक्त प्रत्यय का योग हमने कर दिया, इक्त प्रत्यय को जोड़ दिया तो उससे क्या बन जाता है, श्रुतः श्रुतः श्रुता और श्रुतम। ठीक है, मतलब हम तीनों लिंगों में देख लिया कि पुलिंग में क्या होगा, श्रुतः, स्त्रीलिंग में श्रुता और नपुंसकलिंग में क्या हो गया, श्रुतम। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे देखिए क्री धातु। क्री धातु में क्या है, क्री धातु प्लस इक्त प्रत्यय का योग हम करते हैं तो पुलिंग में क्या बन गया, क्रीतः क्रीता और क्रीतम। ठीक है, यानी कि हम धातुओं को प्रत्यय में जोड़ने के बाद पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में यहां पर बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं भक्ष धातु। भक्ष धातु तो इक्त प्रत्यय को इसमें जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो भक्षितः, ठीक है, पुलिंग में क्या हो गया, भक्षितः, स्त्रीलिंग में भक्षिता और नपुंसकलिंग में क्या हो गया, भक्षितम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इश प्रत इक्त, कौन सी धातु है, इश धातु और इक्त प्रत्यय, इक्त प्रत्यय, इसका क्या बन गया, इष्टः। ठीक है दोस्तों, इष्टः इष्टः इष्टा और इसका क्या बन गया, इष्टम। ठीक है ना, इष्टः इष्टा और इसका तीसरे का क्या बन गया, इष्टम बन गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने यहाँ पर जो भूतकालिक इक्त और इक्त धातु जो प्रत्यय है उसमें इक्त को हमने देखा है जिसमें गम धातु और इक्त प्रत्यय का योग कर दिया, तो इसको हमने क्या किया है, तीनों लिंगों में देखा है, जैसे गतः गता गतम। ठीक है, तीनों लिंगों में हो गए, कृत का कृत धातु प्लस इक्त प्रत्यय कृतः कृता कृतम। ठीक है, पा धातु प्लस इक्त प्रत्यय तो पीतः पीता और पीतम बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों कि श्रुत धातु प्लस इक्त प्रत्यय को हमने किया तो पुलिंग में श्रुतः, स्त्रीलिंग में श्रुता और नपुंसकलिंग में श्रुतम बन गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्री धातु। क्री धातु में क्या बन गया, क्री धातु प्लस इक्त प्रत्यय तो पुलिंग में क्रीतः, स्त्रीलिंग में क्रीता और नपुंसकलिंग में क्रीतम। ठीक है दोस्तों, और फिर हमने भक्ष धातु और इक्त प्रत्यय का योग कर दिया तो इसमें इसका क्या बन गया, भक्षितः। तो भक्षितः भक्षिता और भक्षितम, तीनों लिंगों में हमारा योग है। इसके बाद इष्टातु इक्त प्रत्यय तो इष्टः इष्टा और इष्टम बन गया। ठीक है, नपुंसकलिंग में हमारा क्या बन गया, इष्टम बन गया और इसमें क्या बन गया, इष्टा, स्त्रीलिंग में क्या बन गया, इष्टा बन गया। ठीक है दोस्तों, यानी हमने इसके अब आगे और भी उदाहरण हम देखते हैं। देखिए जैसे सेव धातु, ठीक है, सेव धातु इक्त प्रत्यय, इन दोनों का योग हम कर देंगे तो इसमें बन गया सेवितः सेविता और सेवितम। यानी कि तीनों लिंगों में हमने इसको देख लिया है, मतलब पहले हमें धातु और प्रत्यय का क्या करना है, योग करना है। ठीक है, उसके बाद में तीनों लिंगों में सेवितः सेविता और सेवितम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए द्रस धातु प्लस इक्त प्रत्यय, द्रस धातु प्लस इक्त प्रत्यय तो इसमें क्या बन गया दोस्तों, कि द्रस का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो द्रष्टः दृष्टा और दृष्टम, तीनों लिंगों में मतलब द्रष्टः दृष्टा और दृष्टम, ये हम इक्त योग प्रत्यय है उसका योग धातु के साथ में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सी धातु है,
त्रिश धातु, त्रिश धातु और इक्त प्रत्यय का योग करने पर बन गया त्रिस्तः, त्रिस्ता और त्रिस्तम हमारा बन जाएगा। यानी कि हम इक्त प्रत्यय में धातुएं जोड़ रहे हैं और उसके बाद में हम तीनों लिंगों को लिख रहे हैं, ठीक है। सेविता सेव प्लस इक्तः, सेविता सेविता सेवितम, ठीक है। द्रस प्लस इक्तः, द्रष्टः दृष्टा दृष्टम, ठीक है। इसके बाद में त्रस प्लस इक्तः, त्रस्तः त्रिस्ता और त्रस्तम, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारे इक्त जो प्रत्यय हो गया, अब इसके बाद में इक्तवतु को देखते हैं, ठीक है। इक्तवतु के गम धातु इक्तवतु प्रत्यय, तो इसमें क्या बनते है? क्या बन जाएगा पुलिंग में गतवान गतवती और गतवता, यानी कि इस गम धातु और इक्तवतु प्रत्यय का योग हम करेंगे तो गतवान गतवती और गतवता, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम इसका योग करके तीनों लिंगों में हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। कृत धातु, ठीक है, इक्तवतु प्रत्यय, तो कृतवान कृतवती और कृतवता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए पा धातु और क्या है इक्तवतु प्रत्यय, तो पीतवान पीतवन बती और पीतवत, ठीक है। इसके बाद में कौन सी आ गई हमारी श्रुधातु, श्रुधातु और श्रुत इक्तवतु प्रत्यय, तो श्रुतवान श्रुतवती और श्रुतवता, यानी कि वहां इक्तवतु में क्या हो रहा है इक्त प्रत्यय को लगा रहे हैं, यहाँ इक्तवतु को लगा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया गम धातु में इक्तवतु प्रत्यय लगाया, तो तीनों लिंगों में हम देखेंगे गतवान गतवती और गतवता, ठीक है। इसके बाद देखिए कृत प्लस इक्तवतु, तो कृतवान कृतवती और कृतवता, ठीक है। पा पीतवान पीतवती और पीतवता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए श्रुतवान श्रुतवती और श्रुतवता, यानी कि हमने यहां पर इक्त और इक्तवतु प्रत्यय को देख लिया, ठीक है ना। अब इसके आगे हम और देखते हैं उदाहरण इक्तवतु के, देखिए दोस्तों जैसे क्री धातु इक्तवतु प्रत्यय, ठीक है, कौन सा है क्री धातु इक्तवतु प्रत्यय, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तो इसमें क्या बन जाएगा क्रीतवान क्रीतवती और क्रीतवत, ठीक है। यानी कि हम जो है इक्तवतु प्रत्यय में धातुओं का योग कर रहे हैं जिसमें हम पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों को देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भक्ष धातु इक्तवतु प्रत्यय, भक्षितवान भक्षितवती और भक्षितवत, ठीक है दोस्तों। कौन सा हो गया भक्षितवत। इसके आगे देखिए इस प्लस इक्तवतु, इस धातु और इक्तवतु प्रत्यय में इष्टवान इष्टवती इष्टवतः, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या है सेव धातु इक्तवतु प्रत्यय, तो सेवितवान सेवितवती सेवितवत, ठीक है। फिर उसके बाद दृश धातु इक्तवतु प्रत्यय का हम उपयोग कर रहे हैं, तो दृष्टवान दृष्टवती और दृष्टवता, ठीक है। उसके बाद क्षिप्त धातु इक्तवतु प्रत्यय, क्षिप्तवान क्षिप्तवती और क्षिप्तवता, तीनों लिंगों में लिख दिया ना, जैसे क्षिप्तवान क्षिप्तवती क्षिप्तवता, ठीक है। ग्रह प्लस इक्तवतु, तो गृहीतवान गृहीतवती और गृहीतवता, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने इक्त में भी देख लिया और अब हम किस में देख रहे हैं इक्तवतु में, तो चिंत धातु इक्तवतु प्रत्यय का जो योग करेंगे उसमें चिंतितवान चिंतितवती और चिंतितवता, ठीक है। उसके बाद चुर प्लस इक्तवतु, चुर धातु प्लस इक्तवतु प्रत्यय का योग करेंगे तो चोरितवान
ठीक है, उसके बाद चोरितवती और चोरितवता, ठीक है, मतलब तीनों लिंगों में हो गया, इस पुलिंग में चोरितवान, स्त्रीलिंग में चोरितपति और नपुंसकलिंग में चोरितवता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और आगे देखते हैं अपन के ज्ञा धातु इक्तवतु के प्रत्यय कौन करेंगे, तो ज्ञातवान, ज्ञातवती और ज्ञातवता, ठीक है दोस्तों। यानी हम यहाँ पर इक्तवतु जो प्रत्यय है उसमें धातुओं को जोड़ करके उसके बाद हम तीनों लिंगों को यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। पहले में क्री धातु इक्तवतु प्रत्यय, तो कृतवान, कृतवती और कृतवतः, ठीक है। भक्ष धातु इक्तवतु में भक्षितवान, भक्षितवती और भक्षितवतः। इस धातु में इक्ष धातु प्रत्यय इष्टवान, इष्टवती, इष्टतवतः। शेव धातु प्रसिद्धवतु सेवितवान, सेवितवती और सेवितवतः, ठीक है। इसके बाद देखिए दृष्ट प्रसिद्धवतु, तो दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवतः, ठीक है। छिप प्लस इक्तवतु, छिप्तवान, छिप्तवती और छिप्तवतः। गह प्रसिद्धवतु, तो ग्रहितवान, ग्रहितवती और ग्रहितवतः, ठीक है। इसके बाद देखिए चिंत धातु, तो चिंतितवान, चिंतितवती और चिंतितवतः, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे कौन सी है, चुर धातु, तो चोरितवान, चोरितवती, चोरितवतः, ठीक है। इसके बाद ज्ञा धातु प्लस इक्तवतु, तो ज्ञातवान, ज्ञातवती और ज्ञातवतः, ठीक है दोस्तों। यानी हमने इसमें इक्त और इक्तवतु को उदाहरणों को भी देखा दोनों के। अब इसके आगे देखिए के इक्तवतु प्रत्ययांत शब्दों के रूप भी कितने लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं, क्या हो गया दोस्तों। यानी कि वो जो है इक्तवतु जो प्रत्यय है उसके जो है उदाहरण और वो लिंग जो है कौन से उसमें चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। यानी कि इक्तवतु प्रत्यांत जो शब्द हैं वो हमारे जो रूप हैं उसके वो तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए भूतकाल की क्रिया के लिए, भूतकाल की क्रिया के लिए इक्तवतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्रोपयोगी, छात्रोपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुषानुसार नहीं बदला पड़ता है। यानी कि ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भूतकाल की क्रिया के लिए इक्तवतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष के अनुसार नहीं बदलते, ठीक है ना दोस्तों। को किस चीज में है, भूतकाल की क्रिया के लिए इक्तवतु प्रत्ययों का यह लाभ है कि पुरुष के अनुसार क्रिया वाक्य में नहीं बदलना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं, देखिए जैसे देखिए दोस्तों जैसे राम आगच्छत, क्या है दोस्तों राम आगच्छत, तो इसका हो गया राम गतवान, ठीक है। रमा अगच्छत, तो इसका हो गया रमा गतवती, ठीक है। अहम अगच्छत, अहम अगच्छम, तो अहम गतवान, या कोई स्त्रीलिंग आ जाए तो गतवती हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। त्वम अगच्छत, तो त्वम अगच्छः, त्वम अगच्छः, तो त्वम गतवान या त्वम गतवती, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे क्या हो रहा है कि पुरुष के जो है उसको बाकी क्रिया की जो बाकी है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पुरुष नहीं बदलना पड़ता है, ठीक है। जैसे राम अगच्छत, तो राम गतवा, ठीक है। उसमें रमा अगच्छत, तो रमा गतवती, ठीक है। अहम अगच्छम,
तो अहम गतवान, ठीक है, और त्वयम अगच्छत तो त्वयम गतवान या गतवति, ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम देखते हैं कि इक्तवत् प्रत्यय अंत शब्दों में वो कौन सा था, इक्तवत्। अब इक्तवत् प्रत्यय अंत शब्दों के रूप जो है वो पुलिंग में ही चल, पुलिंग भवतः स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। पुलिंग में किसके समान चलते हैं, भवत के समान, और स्त्रीलिंग में किसके समान चलते हैं, नदी के समान, ठीक है, और नपुंसकलिंग में किसके समान चलते हैं, ये जो है जगत के समान चलते हैं। यानी कि यहां पर ये कह रहे हैं कि इक्तवत् प्रत्यांत शब्दों के रूप पुलिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे पुलिंग में देखिए, पहले पुलिंग में गतवान, गतवंतो और गतवंतः, ठीक है, तो और ई जो है वो सभी विभक्ति इत्यादि प्रकार है, सभी विभक्तियों में, यानी कि इसी प्रकार से सभी विभक्तियों में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए पुलिंग में क्या हो गया, गतवान, स्त्रीलिंग में क्या हो गया, गतवतो गतवंतो, और नपुंसकलिंग में क्या हो गया, गतवतः, ठीक है दोस्तों। यानी कि पुलिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग में देखिए, देखिए गतवती, गतवंत्यो, गतवत्यो और गतवत्या, ठीक। पुलिंग में हमने क्या देखा, भवत की तरह गतवान, गतवंतो, गतवंतः, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या देख रहे हैं, गतवती, गतवत्यो और गतवत्या, ये किसकी तरह है, नदी की तरह, ये भी सभी विभक्तियों में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके आगे देखिए नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में क्या है, गतवतः, गतवता, गतवती और गतवंती, यानी कि पुलिंग में मतलब जो है वो गतवान, गतवंतो और गतवतः, ठीक है। स्त्रीलिंग में गतवती, गतवत्यो, गतवत्यः और नपुंसकलिंग में गतवतः, गतवती और गतवंती, ठीक है ना। यानी कि ये तो चलते हैं भवत की तरह, ठीक है दोस्तों, और स्त्रीलिंग में नदी की तरह, ठीक है ना, और इसमें नपुंसकलिंग में किसकी तरह, जगत की तरह, ठीक है ना। यानी कि हमने तीनों लिंगों में जैसे चलते हैं उस प्रकार से हमने इसको जानी, और इत्यादि प्रकार, इसी प्रकार सभी विभक्तियों में भी ये चलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने क्या देखा, इसका जो एक नियम था कि इक्तवत् प्रत्यांत शब्दों के रूप पुलिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत के समान ही चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे हम और देखते हैं, आगे की देखते हैं, देखिए जैसे और उदाहरण देखो, छात्रः गतवान, ये क्या है दोस्तों, छात्रः गतवान, छात्रा गतवती और मित्रं गतवतः, यानी कि पुलिंग में छात्रः गतवान, छात्रः गतवान, छात्रा गतवती और मित्रं गतवतः, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में स्त्रीलिंग में छात्रो गतवंतो, छात्रे गतवत्यो, मित्रे गतवती, ठीक है ना। यानी कि जो है उसमें स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसकलिंग में भवत और क्या बोलते हैं, नदी और जगत की तरह ही चले, ठीक है। जैसे बाला गतवंतः, बालिका गतवत्य और मित्राणि गतवंती, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने तीनों लिंगों में देख लिए। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, जैसे इक्त प्रत्युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्म वाच्य में कर्ता तृतीयांत, यानी कि इक्त प्रत्युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्म वाच्य में कर्ता जो है वो तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। क्रिया के लिंग और वचन भी क्या होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या कह रहे हैं, कर्म में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है, यानी कि कर्म में जो है वो कर्ता जो है वो कौन सा है? तृतीयांत है। और कर्म कौन सा होता है दोस्तों? प्रथमांत होता है। ठीक है, तो इसके बाद में क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार चलेंगे? इस कर्म के अनुसार चलेंगे। ठीक है, क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार चलेंगे? कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म क्या है? प्रथमांत, और कर्ता क्या है? तृतीयांत है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, रामेण घट पूरितः, ठीक है, उसके बाद रामेण घट पूरितः, ठीक है ना, इसमें क्या है? ये क्या कह रहा है? कर्म वाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है, तो क्रिया के लिंग वचन और वचन भी कर्म के अनुसार चलेंगे। ठीक है, और रमया घट पूरितः, ठीक है, इसके बाद देखिए तेन तेन पुस्तकम पठितुम, यानी कि जो है वो किसके अनुसार चल रहे हैं दोस्तों? कर्म के अनुसार चल रहे हैं। ठीक, और उसके बाद तया पुस्तकानी पठितानि, ठीक है, मित्रेण भोजनम कृतम, छात्रे कथा पठिता, आचार्य छात्रा पठिता, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि कर्ता जो है वो यहाँ पर क्या है? तृतीयांत है, कर्म जो है वो क्या है? प्रथमांत है, और क्रिया के जो लिंग वचन जो है वो कर रहा है, जैसे घट को पूरा कर रहा है, पुस्तक को क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तया पुस्तकानि पठानि, यानी कि ये सब पुस्तक को भी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। मित्रेण भोजनम का, तो मित्र भोजन क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ठीक है ना। छात्र कथा पढ़ता, छात्र कथा को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आचार्य छात्रा पठिता, तो आचार्य जो है वो छात्रा को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हमने जो है कर्म के अनुसार लिंग वचन भी देख लिए। आगे देखते हैं, हम देखिए जैसे इक्त प्रत्युक्त शब्दों का प्रयोग जब किसमें हो? भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि यहां क्या कह रहे हैं ये कि इक्त प्रत्युक्त, यानी कि इक्त प्रत्यय से युक्त जो है शब्दों का प्रयोग भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है। जैसे तब इक्त प्रत्ययांत क्या होता है? तब इक्त प्रत्ययांत शब्द में लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष के अनुसार होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां पर ये कह रहे हैं कि इक्त प्रत्यय युक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है, तब इक्त प्रत्यांत शब्दों में लिंग वचन विभक्ति का प्रयोग विशेष के अनुसार होता है। यानी कि जब भूतकाल इक्त प्रत्यय शब्दों का प्रयोग भूतकालिक विशेषण के रूप में हो, तो यहाँ पर लिंग वचन विभक्ति जो है वो विशेष के अनुसार हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए उदाहरण इसके। छात्र पठितम पाठम ग्रहे पुनः पुनः पठति, यानी कि छात्र जो है वो पढ़ा हुआ पाठ जो है वो अपने घर पर बार बार पढ़ रहा है। ठीक है ना, छात्राया कक्षाया पठितान पठान गृह गृह स्मृति,
यानी कि यहाँ पर लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है? विशिष्ट के अनुसार। ठीक है, बाल पठित्वा हास्य कथा स्मता हसंती, यानी कि बाल जो है वो हास्य कथा को स्मरण करके क्या कर रहा है? हंस रहा है। आचार्य पठिना पठितानाम पठानाम पुनरावृत्ति कर्तुं कथ्यते, यानी कि आचार्य जो है वो पढ़े हुए को बार बार पढ़ने के लिए पुनरावृत्ति करने के लिए किसको कह रहा है? मतलब उनको छात्रों को कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। जैसे जना चलना जाना चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं अकर्मक धातुओं तथा सृट सी स्था आस्था इत्यादि धातुओं से इक्त प्रत्यय कर्त में भी कर्तवाच्य में भी क्या होता है? ठीक है ना दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक नियम क्या कह रहा है कि जाना चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं अकर्मक धातुओं तथा स्रित सी स्था आस सह इत्यादि धातुओं से इक्त प्रत्यय कर्म कर्तवाच्य में भी होता है। ये जो धातुएं हैं इनसे जो इक्त प्रत्यय वो कौन से वाच्य में होता है? कर्तवाच्य में भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए इन धातुओं का वाच्य में अकर्मक प्रयोग होने पर इक्त प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके बाद क्या करें कि ये जो धातुएं जाना चलना स्लेट सी इस्ता आस सह ये जो सारी धातुएं हैं इसमें क्या होता है कि अकर्मक का प्रयोग होने पर भी इक्त प्रत्यय में क्या होता है होते हुए भी कर्ता क्या होता है? कर्ता प्रथमा में कर्ता में किसका प्रयोग करते हैं? प्रथमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि धातुएं अकर्मक होने पर भी इसमें हमें क्या करना है? कर्ता में प्रथमा का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे। जैसे उदाहरण तेन गतम। ठीक है, इसका क्या हो गया? सह गतः। ठीक है, जैसे तेन सुप्तम तो सह सुप्तम, यानी कि यहां में हमें क्या करना है? कर्ता को यहां पर किस कर्ता में किसका प्रयोग करना है? प्रथमा का। ठीक है, आगे देखिए। देखिए सह ग्रामम प्राप्त। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं? सह ग्रामम प्राप्त। ठीक है, उसके बाद क्या करें? सह ग्रहम गतः। सह ग्रामम प्राप्त सह ग्रहम गतः सह प्लक्ष मारुदः। ठीक है, उसके बाद हरि वैकुंठ वैकुंठम धिष्ठिता। हरि वैकुंठ में क्या करते हैं? रहते हैं। हरि वैकुंठम धिष्ठिता वैकुंठम धिष्ठिता। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हम यहाँ पर कर्ता में क्या कर रहे हैं? प्रथमा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इक्त प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्राय तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया लिंग वचन एवं लिंग वचन भी क्रिया के जो है वो लिंग और वचन जो है वो भी किसके अनुसार बदलते हैं? कर्म के अनुसार बदलते हैं। यानी कि जो अगला वाला हम पढ़ेंगे उसमें क्या कह रहा है कि इक्त प्रत्युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता जो है वो क्या होता है? प्राय तृतीयांत तो होता है तथा कर्म जो है वो प्रथमांत तो होता है और क्रिया जो है वो लिंग वचन भी क्या होते हैं? इसके लिंग वचन भी क्या होता है दोस्तों? इसके कर्म के अनुसार बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आज हमने इक्त और इक्त वतु प्रत्यय को जाना कि उसमें मतलब इक्त को
तीनों लिंगों में हमने जाना, एक तो को में हमने तीनों लिंगों में जाना। कहा प्रथमांत जो है कर्म जो है वो कहाँ होता है, कर्ता तृतीयांत कहाँ पर होता है, और एक इसमें जो है हमने प्रत्यय का जो कृत प्रत्यय जो है उसके बारे में हमने जानकारी दी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।